तुम्हें क्या लगा कि टॉप एंड i20 ले लोगे तो घर वाले खुश होंगे, शाबाशी देंगे? और अगर आप लोग को आपके घर वालों को खुश करना ही है तो आपको गाड़ी लेने के बाद लेके आना होगा कार सोनिक्स पे, और उसे ऐसे एक्सेसराइज और मॉडिफाई कराना होगा कि तब जाके वो दिखेगी आपकी एक पर्सनल कार, और तब जाके उसे चलाने का एक्चुअल मज़ा आएगा। तो दोस्तों, दिस इज़ नमन गुप्ता हियर फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद, एंड आज हम बात करने वाले अबाउट एन अमेजिंग अपग्रेडेशन जो हम इस एन लाइन i20 एलीट में करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को तो पता ही है कि ज़िंदगी में हर चीज़ एक एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। वी लर्न एवरी लेसन विद एन एक्सपीरियंस। बेसिकली ये कस्टमर का हाल भी वही उसी तरह था। ही हैज़ गॉट बेसिकली गॉटन अ डैम्पिंग एट सम अदर XYZ स्टोर अर्लियर, एंड मैं आप लोग को बताऊँगा द काइंड ऑफ वर्क दैट वॉज डन इन हिज कार फॉर द नेम सेक ऑफ डैम्पिंग इन इट। दोस्तों, आप लोग को लिटरली शॉक और हैरान हो जाओगे सीइंग दैट वर्क। इसके अलावा बाई डिफ़ॉल्ट गाड़ी के साथ जो बोस का सेटअप आता है, बिकॉज दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ द काइंड ऑफ अपग्रेडेशन हम इसमें करने वाले हैं बोस के स्पीकर्स का सेटअप को निकाल कर। जी हाँ दोस्तों, वी आर गेटिंग आउट ऑफ द बोस एंड गेटिंग इन द ऑडिसन सेटअप इन दिस कार। तो बिफोर वी डू दैट, मैं आप लोग को बताऊँगा पहले तो इस गाड़ी के अंदर डैम्पिंग का एक्सपीरियंस कस्टमर को हुआ है। बेसिकली जस्ट हैव अ लुक एट दिस फ्रेंड्स। डोर पैड खोलते ही दिस वॉज बेसिकली द कंडीशन व्हेन ही टोल्ड कि हमने डैम्पिंग कहीं और कराया। भाई ये कॉटन की पैडिंग है खाली। दिस कॉटन पैडिंग ऑन द नेम सेक ऑफ डैम्पिंग हैज़ बेसिकली लॉस्ट द एंटायर ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर फ्रॉम दैट स्टोर। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट एथिकली राइट, बट दिस इज बेसिकली नॉट द काइंड ऑफ वर्क एनी वन वुड एक्सपेक्ट। दोस्तों, इनफैक्ट हम इसे जब यहाँ पर से निकाल भी रहे हैं, आप देख सकते हो इसका जो प्लास्टिक की पर्नी है उससे तक नहीं निकाला गया है, खाली बस ये कॉटन का इसके ऊपर पैडिंग कर इसे कस्टमर को डैम्पिंग का नाम दे दिया गया था। बट फ्रेंड्स, नथिंग टू वरी अबाउट। हम इस गाड़ी में जिस तरीके से अपग्रेडेशंस करने वाले हैं, जिस तरीके से एक्सेसरीज इंस्टॉल करने वाले हैं, यू गाइज आर गोइंग टू लव इट। बिफोर आई बेसिकली डू दैट, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा द एग्जिस्टिंग ऑडियो सेटअप भी इस गाड़ी के अंदर जो आया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सामने के तरफ में बाई डिफ़ॉल्ट हुंडई के यू गेट अ स्पीकर जो यू नो डोर में इंस्टॉल होते हैं। दोस्तों, दिस इज़ द प्रॉपर 6-inch स्पीकर। बोस का सेटअप है, बोस की ब्रांडिंग करी हुई है, यू कैन रीड इट ओवर हियर। नज़दीक आकर आप बताइए सबको। बट मैं अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट एनीथिंग अबाउट वॉट काइंड ऑफ स्पीकर्स आर दीज, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, नॉट वर्थ द टैग नेम ऑफ बोस ऑन इट। इसके अलावा द शॉकिंग मोस्ट पार्ट इज दिस स्पीकर जो पीछे के डोर का है। दोस्तों, 5 inches का स्पीकर है ये खाली, दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, ये गाड़ी के अंदर से निकाला गया है, नॉट ओनली इन i20 एलीट बट ऑल्सो फॉर योर क्रेटा और एनी अदर कार। यही सेम स्पीकर्स का सेटअप बाय डिफॉल्ट डोर्स में आता है, 5 inches फॉर द रेयर एंड 6 inches फॉर द फ्रंट। एंड आप देख सकते हो पेपर कोनिंग स्पीकर है भाइयों, मतलब देर इज एब्सोल्यूटली लिटरली नो बेस पंच दैट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस। एंड अब हम जो इस गाड़ी के अंदर इस स्पीकर्स को अपग्रेड करने वाले हैं, वी आर बेसिकली गोइंग टू एड अप ऑडिसन सेटअप इन दिस विच यू गाइज आर गोइंग टू लव इट, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। बट एक सेकेंड, जाने से पहले आई वॉन्टेड यू गाइज टू बेसिकली सी द प्री एम्प ऑल्सो जो हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं बाई अ DSP। आइए अंदर से देखिए। दोस्तों, दिस इज़ द प्री एम्प जो बाई डिफॉल्ट गाड़ी के साथ सीट के नीचे आता है। ट्रस्ट मी, स्पीकर्स इंस्टॉलेशन इज जस्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ इट। मेन होता है ट्यूनिंग, कॉन्फिग्रेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट द वायरिंग एंड इंस्टॉलेशन। हम बेसिकली जो प्रोफेशनल तरीके से ये प्री एम्प को बाईपास करेंगे और जिस तरीके से यहाँ पर हम हमारा एक DSP रिप्लेस करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। तो दोस्तों, मेरा आज का जो पार्ट है इज बेसिकली अ टोटल 5 segments पार्ट। फर्स्ट सेगमेंट हम देखेंगे, ऑलरेडी देख चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द एग्जिस्टिंग सेटअप लाइक। सेकंड सेगमेंट रहेगा जहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसके अंदर हम कौन सा स्पीकर वगैरह अपग्रेड कर रहे हैं। थर्ड सेगमेंट में मैं डैम्पिंग के बारे में बात करूँगा। एंड द फोर्थ सेटअप, पूरा इंस्टॉल होने के बाद जिस तरीके से इसका इफेक्ट आ रहा है गाड़ी के अंदर, वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल सेगमेंट वील बी टॉकिंग अबाउट द अदर एक्सेसरीज जो हम एज i20 एन लाइन में डाल रहे हैं। लेट इट बी द हेडलाइट अपग्रेडेशंस और लेट इट बी द 360 कैमरा और अ लॉट मोर अदर थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, इट इज़ गोइंग टू बी अ हेल लॉट ऑफ एन अमेजिंग अपग्रेड, स्टे ट्यून्ड। और हम इस गाड़ी के अंदर जो अब सेटअप इंस्टॉल करने वाले हैं वो है ये। दिस अमेजिंग सेटअप इज बेसिकली बींग इंस्टॉल्ड इन दैट टॉप एंड एन लाइन i20
जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बोस का सेटअप आया था। दोस्तों हम इस गाड़ी के अंदर चार डोर में चार ऑडिसन के वोचे सीरीज़ के कंपोनेंट्स डाल रहे हैं। कम क्लोजर, हैव अ क्लियर लुक ऑफ द प्रोडक्ट। ये है बेसिकली द सेकेंड मोस्ट टॉप ऑफ द लाइन सीरीज इन ऑडिसन सेटअप। अमेजिंग आउटपुट और अमेजिंग परफॉर्मेंस है ये स्पीकर का। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्पीकर इज बेसिकली फ्रेंड्स उसका प्रॉपर क्रॉसओवर। तो हम जो बेसिकली ये जो स्पीकर्स दे रहे हैं आपके सामने अनबॉक्सिंग हो रहा है, इसका खाली प्रोडक्ट का मैग्नेट देखिए, प्रोडक्ट का खाली क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी देखिए, आप लोगों को देखने में ही मज़ा आ जाएगा। ब्यूटिफुल ऑडिसन की पूरी एंग्रेविंग बैजिंग की गई। लुक एट द साइज एंड द डेप्थ ऑफ दिस मैग्नेट दोस्तों, ब्यूटिफुल है और देखते ही क्वालिटी एक्चुअली समझ में आ जाता है बेसिकली। एंड दिस इज द क्रॉसओवर जो हमारा बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है। इसके अंदर जो साउंड फिल्टर होगा और जिस तरीके से बेस ये स्पीकर में और ट्रेबल इस ट्वीटर में जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल सेटअप। ये दोस्तों आप लोग को पता ही चल ही गया होगा कितना अमेजिंग हाई एंड कंपोनेंट है। ऑब्वियस सी बात है कंपनी का जो सिस्टम है वो ये कंपोनेंट का लोड पूरी तरीके से डायरेक्टली नहीं लेता है, तो हम इसकी जगह पे दे रहे हैं बेसिकली दिस ऑडिसन फोर चैनल एम्पलीफायर। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो फोर चैनल एम्पलीफायर है, इट इज़ गोइंग टू ड्राइव दीज फोर कंपोनेंट्स, मतलब ये दो सेट ऑफ कंपोनेंट्स ये प्रोसेसर के थ्रू, सॉरी ये एम्पलीफायर के थ्रू ड्राइव होंगे। तो जिस तरीके से साउंड आउटपुट सिस्टम से आएगा, फिल्टर होकर एम्पलीफाई होगा, गोइंग टू द क्रॉसओवर्स, वहाँ पर फिल्टर होकर बेस कहीं से, ट्रेबल कहीं से, यू गाइज आर गोइंग टू एन्जॉय दैट स्टीरियोफोनिक इफेक्ट। तो दोस्तों वोकल्स अमेजिंग हो चुके हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट वॉट अबाउट बेस? जब तक वोकल और बेस दोनों साथ साथ नहीं है, मज़ा गाड़ी में आता ही नहीं है। तो हम बेसिकली इस वोकल्स को भी साइड में करेंगे एंड लेट अस टॉक अबाउट द बेस इन द कार। हम इस गाड़ी में दे रहे हैं दिस अमेजिंग मोनोब्लॉक एम्पलीफायर बाय ब्लॉकपंक, विच इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन मोनोब्लॉक्स टुडे इन द मार्केट। इस मोनोब्लॉक एम्पलीफायर को हम बेसिकली कनेक्ट करने वाले हैं टू दिस ब्यूटिफुल सबवूफर बाय हर्ट्ज जो इसके डिक्की में आने वाला है। दोस्तों ये मैं वूफर आप लोग को ओपन करके बताना चाह रहा हूँ बिकॉज इसका जिस तरीके से वेट है और जो मैग्नेट है भाई साहब, मतलब जस्ट लुक एट इट, मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ तो मेरी नस, यू कैन सी द वेट, कम से कम भी दिस इज़ मोर देन अबाउट 15 to 20 kgs फॉर श्योर। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द हैवीएस्ट सबवूफर्स विच आई हैव सीन विद द स्मॉलेस्ट साइज। दिस इज़ जस्ट 10 inches सबवूफर फ्रेंड्स, और ये एक ऐसा वूफर है जो नॉर्मल हर कोई एम्प नहीं ले सकता है। तो हम बेसिकली इसीलिए इसमें दे रहे हैं दिस मोनोब्लॉक एम्पलीफायर टू ड्राइव इट। तो यू कैन इमेजिन नाउ द वोकल एंड द बेस दोनों कितना अमेजिंग तरीके से आएगा। बट दैट इज़ नॉट येट, इसको प्रॉपर ट्यून करने के लिए, क्योंकि कंपनी का सिस्टम या एंड्रॉयड सिस्टम या एनी सिस्टम फॉर अ मैटर कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ प्रॉपर ट्यूनिंग इन द कार, तो हम इसमें दे रहे हैं दिस ब्यूटिफुल बिट 10 प्रोसेसर। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके थ्रू हम जिस तरीके से ट्यूनिंग कर सकते हैं स्पीकर्स में, जिस तरीके से जो अनवांटेड बेस जो स्पीकर में जाता है उसे कट डाउन कर सकते हैं, जो अनवांटेड वोकल्स जो वूफर में पास होते हैं उसे कट डाउन करके, जिस तरीके से गाड़ी के अंदर सराउंड इफेक्ट आएगा, मतलब स्पीकर का मज़ा तभी है जब वो सिर्फ वोकल्स दे, जब वो इरिटेटिंग बेस देगा तो आवाज़ फटना शुरू करेगी। वूफर का मज़ा तभी है जब वो सिर्फ प्योर बेस दे, तो जो वोकल्स की फ्रीक्वेंसीज है उसे कम कर देंगे। तो ऑल द ट्यूनिंग इज बेसिकली डन थ्रू अ लैपटॉप कनेक्टेड टू दिस प्रोसेसर। तो अमेजिंग सेटअप होने वाला है फ्रेंड्स, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू ऑल द एंड रिजल्ट। इसके साथ में गाड़ी में पूरी डैम्पिंग भी होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, आपको नेक्स्ट सेगमेंट में डैम्पिंग के बारे में सब कुछ बताऊंगा। थैंक यू। तो जब हमारा इतना हाई एंड जब सेटअप आ रहा है इस गाड़ी के अंदर जब फिट होगा, तो बेसिकली द काइंड ऑफ बेस विच इज क्रिएटेड इन द डोर्स, उससे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस और एक नॉइज क्रिएट होगी गाड़ी के अंदर। दैट नॉइज इज बेसिकली गोइंग टू बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर द ट्रू आउटपुट जो गाड़ी के अंदर हमारे स्पीकर्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा नॉइज को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस गाड़ी के अंदर दोस्तों कर रहे हैं प्रॉपर फुल कार डैम्पिंग। एंड दोस्तों वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी वेयर ऑन एनी प्रोडक्ट इन दिस कार। आप देख सकते हो यहाँ पर डैम्पिंग हमारी पूरी डबल लेयर में हो रही है। देर इज़ अ लेयर ऑफ डैम्पिंग विच इज़ डन इनसाइड द डोर पैड ओवर हियर, एंड यहाँ पर एक और एक लेयर आ जाएगा। वी हैवन डन दिस लेयर बिकॉज ऑफ द 360 कैमरा वायरिंग, बट आप अंदर की तरफ देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुली दिस इज बीन फिटेड अप। दोस्तों हमारा ये जो डैम्पिंग है इज़ बाई मेगा ऑडियो, विच इज़ द 2.3 mm थिकनेस डैम्पिंग शीट विद 120 degrees थर्मल इंसुलेशन। एंड ये सिर्फ डोर्स तक ही नहीं दोस्तों,
ये हमारे गाड़ी के अंदर पूरे फ्लोर एरिया में भी कवर्ड है। आप देख सकते हो एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ योर कार ऑफ द बेस इज बीइंग कवर्ड विद दिस डैम्पिंग। यहाँ पर नीचे के तरफ सीट्स के नीचे हर जगह जहाँ जहाँ हमें मेटल सरफेस दिख रहा है हम इसने डैम्पिंग में कवर कर चुके हैं। एंड दोस्तों सिर्फ फ्लोर एरिया ही नहीं, अगर आप हमारा रूफ भी देखोगे यहाँ पर दिस इज बेसिकली टोटली डन इन यू नो रैप्ड अप इन डैम्पिंग ओवर हियर। तो जितना वाइब्रेशन क्रिएट होने वाला है गाड़ी में वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पर। और आपको तो पता ही है पीछे हम एक बड़ा वूफर दे रहे हैं कस्टमर को, तो बेसिकली उधर भी जो वाइब्रेशंस आएगा उसे भी कट डाउन करने के लिए हम इसके डिक्की में भी डैम्पिंग कर रहे हैं। आइए वहाँ पर से, तो आप बेसिकली देख सकते हो इधर बूट एरिया में जहाँ पर हमारा स्टेपनी भी रहता है वो एरिया भी पूरा पूरा डैम्पिंग से रैप हो चुका है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन फ्रेंड्स। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन देंगे कि आपको कहीं पर भी एक सिंगल पर्सन भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा। एंड अब पूरा काम होने के बाद जिस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा, जिस तरीके से वो ट्यून अप होगा, उसका रिजल्ट का वेट करिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये जो भी इंस्टॉलेशन आप देख रहे हो चुका है पूरी तरीके से कंप्लीट। जिस तरीके से द थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये गाड़ी एक टाइम पे पूरी खुली हुई थी। एंड ट्रस्ट मी द मेन जो परफेक्शन होता है इज बेसिकली गेटिंग द थिंग्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। आप देख सकते हो माई सनरूफ रूफ इज परफेक्टली फिटेड, जो हमने पूरा खोला था, डोर पैच पूरे इंस्टॉल्ड है, सीट्स बैठ चुके हैं, कंसोल, फ्लोरिंग, हर चीज़ जो खुली थी गाड़ी में पूरी परफेक्ट टॉप नॉच कंडीशन में बैठ चुकी है। एंड दोस्तों अभी हमारे स्पीकर्स और एम्पलीफायर विद द प्रोसेसर, वूफर, सब चीज़ इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब बारी है बेसिकली इंस्टॉल ट्यून करने की बेसिकली थ्रू द प्रोसेसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा इधर लैपटॉप कनेक्टेड है थ्रू दिस ऑप्टिकल फाइबर ओवर हियर। एंड हम यहाँ पर ट्यूनिंग करने वाले हैं। मैं आप लोग को एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ द काइंड ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस द ट्यूनिंग कैन मेक। एक बार आप गाड़ी में आइए दोस्तों, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैं वॉल्यूम को सेट कर रहा हूँ से अबाउट ए 35, ओके, और मेरे मोबाइल की वॉल्यूम को यहाँ पर से इधर मैं फुल कर दे रहा हूँ, ठीक है, फुल वॉल्यूम यहाँ है, 35 इधर है, मैं बस प्ले कर रहा हूँ। ओके, लेट अस जस्ट रिड्यूस सम वॉल्यूम सो दैट आपको डिफरेंस फील हो। नाउ 25 इधर वॉल्यूम है, मेरे फ़ोन में वॉल्यूम फुल है, ओके, बट ट्यूनिंग करने से मैं बिना वो वॉल्यूम का छेड़े या ये वॉल्यूम का छेड़े, बस लुक एट द डिफरेंस, जस्ट लुक एट नाउ, कैन यू सी मैं कितना ज्यादा इसका इफेक्ट और बढ़ा सकता हूँ। मतलब इवन एट अ लोअर वॉल्यूम वी कैन गेट एन अमेजिंग रिजल्ट बाई एडिंग अ प्रोसेसर। एंड दोस्तों ये ट्यूनिंग तो बस आपको बस एक छोटा सा डिफरेंस बताने की थी, मुझे बस एक 5 मिनट का टाइम दीजिए, आई एम जस्ट इन द कंप्लीशन स्टेज। ये ट्यूनिंग होने के बाद आप लोग को एक बार गाड़ी के अंदर एक इफेक्ट सुनाऊंगा, एक फील सुनाऊंगा, सुनने के बाद आप मुझे बताना कैसा अमेजिंग लगा आपको सेटअप। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, द इफेक्ट ऑफ दिस म्यूजिक इन दिस कार इज लिटरली फिनोमिनल। मतलब जिस तरीके से आउटपुट इस गाड़ी में अभी आ रहा है, आई एम लविंग इट। हमने ये प्रोसेसर ऐड करने के बाद जो स्पीकर से ट्रू वोकल्स आने चाहिए हमने उसे फिल्टर करके प्रॉपर सिर्फ वोकल्स दिए हैं। जो वूफर से प्योर बेस आना चाहिए हमने फिल्टर कर प्योर बेस दिया है। अभी जब गाड़ी में मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, जिस तरीके से वोकल्स और बेस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आ रहा है, आई एम बेसिकली लविंग इट फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इसका जो ट्यूनिंग करने का भी जो प्रोसीजर था, हमने कस्टमर को बाजू बैठा के ट्यून किया है एज़ पर हिज टेस्ट, एज़ पर हिज वोकल क्लैरिटी व्हाट ही हियर्स। एंड अभी जो आप म्यूज़िक सुनने वाले हो दैट इज़ बेसिकली एट 80% ऑफ द वॉल्यूम, इट इज़ नॉट 100%। तो दैट इज़ द ऑप्टिमल वॉल्यूम, ताकि अगर आपको लो वॉल्यूम पे भी म्यूज़िक एंजॉय करना है यू कैन बेसिकली डू इट। मैं अभी आप लोग को एक गाना प्ले करके सुनाऊंगा एंड जस्ट एंजॉय द म्यूज़िक फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ ब्यूटिफुल। You know you stopped me dead while I was passing by, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, beautiful face.
भाई, दिस इज अ परफेक्ट कैप्शन आई थिंक फॉर दिस वीडियो. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग इट, इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन व्हेन इट इज बोस आउट एंड ऑडिसन इन. इटालियन ब्रांड है, रिजल्ट्स आप लोग के सामने है. अगर आप लाइव सुनते थे तो आई एम वेरी श्योर आप खाली ऐसा बैठे नहीं होते थे, यू वुड हैव केप्ट डांसिंग बिकॉज दिस प्रोडक्ट, दिस सेटअप इज टोटली वर्थ द यू नो इफेक्ट व्हाट वी आर बेसिकली लिसनिंग राइट नाउ. बट जैसे कि मैंने आपको मेरे फर्स्ट सेगमेंट में कहा था, दिस इज नॉट द ओनली थिंग. दोस्तों, आपको ये गाड़ी में फॉर द फर्स्ट टाइम एवर दिखाई देगा अ 360 कैमरा सेटअप इन द स्टॉक सिस्टम ऑफ दिस i20 2020 मॉडल ऑल्सो. इसका मैं आपको सेपरेट से वीडियो बना रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा आप लोग को, ज़रूर से देखना वो भी, एंड आप लोग को पता चलेगा हाउ अमेजिंगली वी कैन पुट अ 360 कैमरा इन दिस सेटअप ऑल्सो. बट सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए ये एक देखिए बस, व्हेन आई एम जस्ट पुटिंग अ रिवर्स गियर यू कैन जस्ट सी हाउ अ 360 सेटअप इज कमिंग. दिस इज अ टोटली नॉन कैलिब्रेटेड व्यू ओवर योर फ्रेंड्स. कैलिब्रेशन के बाद अगर आप लोग को देखना है तो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए, वहाँ पर आप लोग को एक नया वीडियो दिखेगा जिसमें आपको 360 का इसका पूरे डिटेल्स आ जाएंगे. जाने से पहले कस्टमर से बात करेंगे एंड जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा था, हाउ डिड ही बेसिकली लाइक द वर्क, एंड उनके एक्सपेक्टेशंस मीट हुए या नहीं. स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स. तो दोस्तों, अभी हम हैं वेंकटेश सर के साथ एंड अभी हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा था हमारे साथ, एंड सर का जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो एक्सपेक्टेशन था, अभी फुलफिल आई या नहीं. सर डे रजन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नमन गुप्ता जी. ऐ एम दि सब्सक्राइबर ऑफ कार सोनिक्स एंड ऐ रेगुलरली वॉच दि वीडियोस ऑफ दि नमन गुप्ता जी. इन द वीडियोस ऐ लाइक रीसेंटली some cars, Audison setup. I liked it very much. So, అందుకని చెప్పేసి అలాగే లైట్స్ గురించి కానీ 360 డిగ్రీస్ కెమెరాస్ కానీ ఇవన్నిటిని చూసేసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయిపోయి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. యాక్చువల్గా నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి నా రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ నేను అడిగిన ప్రతిదీ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి రకరకాలు చూపించేసేసి ఏమేమి ఉన్నాయో అన్నీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ది బెస్ట్ మనం చూజ్ చేసుకున్నాము. అలాగే ఇన్స్టాల్ చేసేసారు, ఎక్సలెంట్, మారులస్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ నమన్ గుప్తాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్, ఆజ్ ఇత్నీ దూర్ సే ఒంగోల్ సే ఆయే హై, దాట్ ఇస్ అ ప్లేస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, అండ్ గైజ్ వీ ఆర్ సో ఓవర్వెల్మ్డ్. ముజే ఇత్నా అచ్చా లగ్తా హై ఆప్ లోగ్ కా ప్యార్ దేఖే కి జిస్ తరీకే సే ఆప్ లోగ్ నే మత్లబ్ इतनी दूर से ट्रैवल करके आते करते हो, एंड वी मेक इट अ पॉइंट कि हम आपको द बेस्ट दे. थोड़ा टाइम भी लगा है सर, कल आए थे, ही हैड टू स्टे ओवर हियर क्योंकि जो स्कोप ऑफ वर्क था इट बेसिकली रिक्वायर्ड टू डेज टाइम. बट जिस तरीके से आप लोग प्यार दिखा रहे हो दोस्तों, वी आर बेसिकली टोटली ओवरवेल्म्ड फॉर यू गाइज, एंड आई जस्ट होप दैट द सपोर्ट एंड द लव कंटिन्यूज एज वेल. मैं भी आप लोग के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लेते आते रहूँगा, एंड येस, अगर आप लोग को हमारा ये काम पसंद आया हो तो द लाइक बटन ज़रूर दबाना. कमेंट सेक्शन में बताइए कि डिफरेंस कैसा था, कि व्हाट वाज द ओल्ड बोस लाइक एंड व्हाट इज़ द न्यू ऑडिसन लाइक, आपको कौन सा अच्छा दिखा इसमें से. एंड येस दोस्तों, अगर आप लोग में डाउट आ रहा है अबाउट द वायरिंग एंड ऑल, तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ ऑल कपलर टू कपलर प्लग एंड प्ले. सर भी जैसा पूरा टाइम देख रहे थे, एवरी स्पीकर इंस्टॉल्ड इन दिस सेटअप इज़ ऑल सॉकेट टू सॉकेट. हमने कोई टैम्परिंग नहीं करी है, कुछ नहीं, उतना ब्यूटिफुल इसमें इंस्टॉल हुआ है. अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी भी हमारे पास एक्सेसराइज हो, ऑल यू हैव टू डू इज़ ड्रॉप डाउन टू कार सोनिक्स. एंड येस, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, बिकॉज जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा हर दिन आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया लाने. थैंक यू सो मच एवरी वन. थैंक यू साहब.